बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, एसिड बेस एंड सोल्ट। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो HCl है, एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। ये देखा था कि जो एसिड है वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। अगर मैं आपको लिखूं कि C6H12O6 है, मान लो, लेट्स सपोज कि अपने पास ये कंपाउंड है और हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन भी बना दिया और आपको बताना है कि क्या ये अब एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या ये एसिड है। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे H है, मींस ये H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा तो ये अपने पास एसिड है। बट ये गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी कंपाउंड जिनके पास H है वो एसिड होंगे ही होंगे। इट्स नॉट कंपल्सरी। कंडीशन इज दैट इन द एक्वस मीडियम द गिवन कंपाउंड इफ रिलीज H पॉजिटिव आयंस। अगर गिवन कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहा है तो ही वो एसिड है, अदरवाइज वो एसिड नहीं है। मींस ये अपने पास एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, ये एसिड नहीं है अपने पास, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो कोई भी अपने पास कंपाउंड है C2H5OH, अब ये तो साफ साफ दिख रहा है इसमें कि OH है, आपका माइंड करेगा कि यहाँ पे OH है, मींस क्या है, ये बेस है, तो आप लिखोगे झटपट कि एक्वस सॉल्यूशन में भाई साहब ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर रहा है तो ये बेस है। नहीं, गलत है, ये बेस नहीं है। बेस कब होगा ये? जब ये एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा। बट द गिवन कंपाउंड डज नॉट रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन, सो C2H5OH इज नॉट बेस। ये अपने पास बेस नहीं है क्योंकि ये गिवन कंपाउंड है वो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस रिलीज नहीं करता, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आता है, बनता है हर बार। लास्ट टाइम आया था, अब की बार पे इस पे क्वेश्चन नहीं था बट लास्ट टाइम था, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आप इसको देख लेना कि कौन से कंपाउंड एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं और कौन से कंपाउंड अपने पास एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। नेक्स्ट है आज का जो अपने पास है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, कि बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टेस्ट की बात करें, किसकी बात करें, टेस्ट, तो टेस्ट क्या होता है इनका, बीटर, बीटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं, ठीक है। सेकंड अगर हम टच की बात करें कि टच करने पर ये कैसे लगते हैं, तो ये स्लिपरी टच होते हैं, स्लिपरी टच क्या होते हैं, स्लिपरी टच होते हैं, ठीक है। जब आप इनको टच करते हो तो ये सोपी टच देते हैं, साबुन जैसी फीलिंग आती है, जैसे हम सोप को टच करते हैं ना, साबुन को टच करते हैं वैसे फील करते हैं हम जब हम टच करते हैं किसको, बेस को टच करते हैं, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें को नेचर इनका, जो स्ट्रोंग बेस है अपने पास, स्ट्रोंग बेस, फॉर एग्जाम्पल NaOH क्या है, स्ट्रोंग बेस है, KOH क्या है, स्ट्रोंग बेस है। जो स्ट्रोंग बेस है अपने पास उनका जो नेचर है वो क्या होता है, काफी कोरोजिव नेचर होता है स्किन के लिए, कोरोजिव इन नेचर, कोरोजिव इन नेचर, ठीक है। तो ये कुछ एक अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टी थी। आगे अगर हम बात करें इनकी रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन जो हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मींस बेस की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड। हमने पहले देखो फर्स्ट चैप्टर में किया इसको कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस एंड वाटर, सॉरी वाटर बाहर निकालते हैं, फर्स्ट चैप्टर में किया हमने। फिर हमने सेकंड चैप्टर की अब शुरुआत की है, इसके अंदर भी आपने फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो एसिड में देखा था कि एसिड की बेस के साथ रिएक्शन की थी, हमने पास सोल्ट बना था और वाटर, और इसमें आप लिख सकते हो कि बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, ठीक है। द बेस NaOH
एसिड HCl ले लो, H2SO4 ले लो। जरूरी नहीं है कि आप HCl ले लो या फिर H2SO4 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, बट ध्यान रहे वो बेस रहे। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो तो अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो तो अपने पास रिएक्शन क्या होती है, फास्ट ही होती है, इमीडिएटली होती है। तो मैं यहाँ पे HCl और H2SO4 ले लेती हूँ, ठीक है। अगर मान लो HCl ले रहे हैं, लेट्स सपोज कि H2SO4 ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, साल Na2SO4+H2। देखो अब आपके दिमाग में फिर वही बात कि ये वाटर निकाल दिया, भाई साहब ये कैसे बना Na2SO4। आप ध्यान रखो कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो वाटर बाहर निकलता है, यहां से आपने वाटर को बाहर निकाल दिया H2O, ठीक है। अब क्या बच गया, Na बच गया और SO4। Na और SO4 क्या फॉर्मूला बनाएंगे, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। सल्फेट पे चार्ज क्या होता है, 2। सल्फेट पे कार्बोनेट पे क्या होता है, 2 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, सो वैलेंस इज आल्सो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फॉर्मूला इज Na2SO4। क्या बन गया, Na2SO4, इट इज ए साल्ट। क्या है ये, साल्ट है, क्या है, साल्ट, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, जो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया बेस की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। और इस गिवन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये अपने पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है कि हम जब बेस को हीट करते हैं तब क्या होता है, जो हमने बेस को क्या किया है, हीट किया है, बेस को हमने क्या किया, हीट किया, तो क्या फॉर्मेशन होगा अपने पास। हमने कोई भी बेस का नाम लिख लिया, KOH है, NaOH है, CaOH का होल ट्वाइस है, MgOH का होल ट्वाइस है, या फिर NS4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, बेस है। कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई वीक बेस है, जैसे KOH स्ट्रॉन्ग है, NaOH दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, एंड NS4OH क्या है, यहाँ पे वीक है। तो मान लो हम इसी को हीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हमने हीट किया बच्चों, तो क्या होगा कि वाटर बाहर रिमूव हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, बाहर रिमूव अपने पास H2O, और खाली क्या बच जाएगा, अमोनिया NH3 बच जाएगा, NH3 प्लस में H2O। एक H यहां से लिया, एक H यहां से, H2 यहां पे, NH3 बच गया, NH3 और ऑक्सीजन यहां पे। आपको क्या याद रखना है कि वाटर बाहर निकालना है आपको, बाकी जो बाद में बच गया उसको आप सबको कलेक्ट करके एक फॉर्मूला बना लेना, क्या बन गया यहाँ पे, NH3 प्लस में H2O, ठीक है। ये अपने पास क्या है कि बेस को जब हम हीट करते हैं तब क्या होता है। नेक्स्ट है कि बेस मेटल के साथ रिएक्शन क्या शो करता है, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना है कि मेटल है वो सभी बेस के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, जितना भी बेस है वो सभी मेटल के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, ये कुछ एक ही मेटल है जिनके साथ रिएक्शन शो करती है, जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, इनके साथ ही ये रिएक्शन शो करती है, बाकियों के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करती। अब इसमें एक कॉमन चीज है, हमने रिएक्शन पढ़ी थी एसिड की मेटल के साथ, आपको याद हो हमने पढ़ा था Na+ में H2SO4, क्या बना था, Na2SO4+ में H2, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो Ca+ में HCl, क्या बना था, CaCl2+ में H2, means हाइड्रोजन गैस लिब्रेट हो रही थी अपने पास, कौन सी गैस निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, ठीक है। तो इसमें भी कॉमन क्या होता है कि रिएक्शन करता है जब बेस मेटल के साथ, ये मेटल ये बेस, अपने पास कोई फॉर्म होता है क्या, साल्ट, सोडियम जिंकेट नाम है इसका, क्या है, सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। देन व्हाट इज अ कॉमन बिटवीन रिएक्शन विद मेटल बेस की और रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, क्या कॉमन है कि दोनों में अपने पास हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, ठीक
ठीक है, दोनों में। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस, क्या कॉमन है एसिड और बेस में, क्या है? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस, क्या रिलीज करते हैं वो? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ये इनके अंदर क्या है, एक कॉमन थिंग है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम करें रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सबसे पहले हमें नॉन मेटालिक ऑक्साइड पता होना चाहिए कि क्या है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। बेस तो आपने लिख लिया, कोई भी बेस, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लिया मैंने, CaOH का होल ट्वाइस, नॉन मेटालिक। कार्बन, हाउ यू विल फाइंड दैट कार्बन इज अ नॉन मेटल, राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 and the electronic configuration of carbon is 2 and 4, the outermost electron is 4, so valency is also 4. I have already told you that if the valence electron is, valency is 4, 5, 6, 7 and 8, if the valency is 4, 5, 6 and 8. Sorry, if the valence electron is 4, 5, 6, 7 and 8, then the given element is non-metal. If the valence electron is 1, 2, 3, then given element is metal. Here, valence electron is 4, so carbon is the non-metal. Oxide means oxygen ko humne iske saath rakhna hai, theek hai? Iske apne paas valence electron 4 hai, valency bhi kya hai? 4 hai, oxygen ka atomic number 8 hai. Electronic configuration 2 and 6, valence electron is 6, so valency is 8 minus 6 equal to 2. If valence electron is greater than 3, then we क्या करेंगे हम? उसको 8 में से minus कर देंगे, ठीक है? तो अपने पास 8 में से minus किया तो कितना बच गया? 2. अब हम इसमें से 2 common ले लेंगे, C 2 1 cross multiply करेंगे, क्या बन जाएगा? CO2. क्या बन जाएगा? CO2. Then the product is CaCO3 plus में H2. आपको याद रखना है कि water बाहर remove करना है यहाँ से, तो H2O बाहर कर दिया, एक oxygen अपने पास यहाँ बच गया, calcium already था, ठीक है? यही था ना इसके अंदर, तो water आपने याद रखो कि water बाहर निकलेगा, water बाहर निकल गया, calcium बच गया, H2 बाहर हो गया, O यहाँ पे 2 है, एक O आप निकाल चुके हो, एक oxygen बच गया, CO2 है, then formula is CaC, 2 oxygen and 1 oxygen, CaCO3, क्या बन गया ये? साल, calcium carbonate, plus में water, तो ये अपने पास कुछ एक क्या थी, base की properties थी, ठीक है, तीन ही है इसमें reaction तो, reaction with metal, reaction with acid जो आप already कर चुके हो, reaction with non-metallic oxide जो मैंने आपको करवा दिया, और रिएक्शन है इसमें कि हीट करने पर उसमें क्या होता है, क्या बाहर निकलता है, वो आपको देखना है, ठीक है? तो अपने पास प्रॉपर्टी जो बेस कंप्लीट हो चुका है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो कांटेक्ट कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फैमिलीज ऑफ साल। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।